सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। मेरा नाम है रोहन एंड आप देख रहे हो टेकी आर। एंड गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी नार्जो 50 के ऊपर, जो कि ऑलरेडी इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। एंड नो डाउट काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट के ऊपर काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आपको ये फ़ोन देखने को मिलता है। एंड गाइज, ये फ़ोन रियलमी के ही एक और फ़ोन को यहाँ पर बीट कर देता है। बट यार, एक फ़ोन और है जो आई थिंक इस फ़ोन को बीट कर सकता है। सो गाइस, डिटेल में बात करेंगे इस फोन की, सारी स्पेसिफिकेशन के ऊपर क्या है इसका प्राइसिंग वो भी आपको बताएंगे। एंड एंड में एक छोटा सा रिव्यू देंगे कि आपको ये फोन परचेज भी करना चाहिए या फिर नहीं। एक अल्टरनेट भी मैं आपको इसका आगे इस वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। एंड यार, मुझे लगता है कि नार्जो से हमने कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी, बिकॉज यार नहीं, क्या यहीं पर सब कुछ जानना है? वीडियो को गाइज आगे देखो, एंड तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो गाइज, जल्दी से वीडियो को कर लेते हैं शुरू। बट उससे पहले, अगर चैनल पर नए आए हो या फिर पहले से वीडियोस देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो यार किसकी वेट कर रहे हो? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लो, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। एंड यार, वॉइस आज मेरी थोड़ी सी आपको अजीब भी लग रही होगी, बिकॉज थोड़ा सा कोल्ड हुआ है। सो प्लीज़ वॉइस के साथ कोऑपरेट करना। एंड शुरू करते हैं। सो गाइज, हर बार की तरह शुरू कर लेते हैं डिज़ाइन एंड बिल्ड से। सो यार, मैं रियलमी को हाईली ये चीज़ रेकमेंड करना चाहता हूँ कि प्लीज़ डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज करो। रियलमी के पास गाइज ले देकर सिर्फ ये दो डिज़ाइन ही बचते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, जो कि काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। अभी इन्हें चेंज कर लेना चाहिए थोड़ा सा। वैसे देखने में इतना भी बुरा नहीं लगता, फिर भी यार एक चेंज की यहाँ पर ज़रूरत अभी नहीं है। सो गाइज, डिज़ाइन आप लोगों के सामने है। ट्रिपल कैमरा आपको बैक साइड पर देखने को मिल जाएगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर रहने वाला है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, 3.5 mm हेडफोन जैक भी दिया गया है। एंड गाइज, फ्रंट साइड पर आपको सिंगल पंच होल कैमरा देखने को मिल जाएगा। सो गाइज, फोन देखने में बुरा नहीं लगता। बैक साइड गाइज आपको इसका प्लास्टिक का ही देखने को मिलेगा, प्लास्टिक का ही फ्रेम रहेगा। फ्रंट साइड पर आपको ग्लास प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। एंड जो गाइज इसका बैक प्लास्टिक है, वहां पर भी आपको एक डिफरेंट टेक्सचर देखने को मिलता है। हालांकि मुझे ऐसा टेक्सचर पसंद नहीं आता, या तो आप प्लेन उसे आप मैट दे सकते हो या फिर आप ग्लॉसी दे सकते हो। आपको ये टेक्सचर कैसा लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। बाकी डिजाइन एंड बिल्ड आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर से बता कर जाना। आगे बढ़ते हैं गाइज एंड बात कर लेते हैं अब इसकी डिस्प्ले की। सो गाइज, यहां पर आपको मिलने वाली है 6.6 इंचेस के एक IPS LCD डिस्प्ले फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन के साथ में, एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहां पर देखने को मिल जाएगा, एंड 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाएगा। 401 की गाइज PPI देखने को मिल जाएगी, एंड 600 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंगली AMOLED की उम्मीद हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, AMOLED हमें यहाँ पर मिली भी नहीं है। 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट आपको जरूर से देखने को मिल गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सो गाइज, यहाँ पर आपको डिस्प्ले काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी, गेमिंग के लिए, कंटेंट वॉचिंग के लिए भी डिस्प्ले आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी, बिकॉज 600 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सो दोनों चीज़ों में आई डोंट थिंक आपको कोई दिक्कत परेशानी आएगी। आगे बढ़ते हैं गाइज एंड बात कर लेते हैं इसके कैमराज की। सो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा बैक साइड पर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर गाइज आपको मेन कैमरा मिलेगा 50 MP का, देन 2 MP होगा मैक्रो लेंस, एंड 2 MP का दिया गया है डेप्थ कैमरा। बात करें फ्रंट कैमरा की, सो गाइज यहाँ पर आपको मिलने वाला है 16 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा। सो गाइज, कैमरा सेटअप भी यहाँ पर कहूंगा कि डिसेंट देखने को मिलता है। 50 MP मेन कैमरा है, 2 MP के कैमरा आप इग्नोर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो गाइज, कैमरा सेटअप आपको यहाँ पर डिसेंट देखने को मिल जाता है। 4K का सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा, सो ऑब्वियसली बात है प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग 4K हम यहाँ पर उम्मीद कर भी नहीं सकते थे। उसके अलावा गाइज, अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी एंड चार्जिंग की। सो यहाँ पर आपको मिलने वाली है 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी, एंड इसके साथ में गाइज आपको चार्जर मिलेगा 33 वॉट का। 33 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स में ही देखने को मिल जाएगा। सो गाइज, बैटरी का साइज भी अच्छा है, चार्जिंग स्पीड भी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। दोनों चीज़ों से आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। बट 120 Hz रिफ्रेश रेट आपकी बैटरी को जल्दी से कंज्यूम करेगा, एंड इसका प्रोसेसर है वो भी गाइज 12 nm का है। सो गाइज, इसी के साथ हम प्रोसेसर पर भी आ जाते हैं। सो गाइज, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा MediaTek का G96 वाला प्रोसेसर, हिलियो G96, जो कि गाइज बेस्ड है 12 nm के ऊपर। ज़्यादा कुछ पावर एफिशिएंसी खासी आपको अच्छी नहीं देता। उसके अलावा गाइज, हीटिंग इश्यू भी आपको थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं। एंड गाइज, यहाँ पर ये जो आपको 120 Hz एंड उसके बाद ये 12 nm का प्रोसेसर, सो बैटरी यहाँ पर आपके थोड़े जल्दी कंज्यूम होने के चांसेस हैं। बाकी आपकी यूजेज पर डिपेंड करता है। आई गेस यहाँ पर आपको एक दिन का बैटरी बैकअप तो इस फोन से देखने को मिल जाएगा, बट अगर एक दिन का भी नहीं मिलता है, अगर आप ज़्यादा गेमिंग करते हो, फिर गाइज आपको इसको 2 बार भी चार्ज करना पड़ सकता है, बट उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। 33 वॉट का फास्ट चार्जर आपको इसके साथ देखने को मिल जाएगा। सो आपको बैटरी एंड चार्जिंग कैसी लगी कमेंट्स में जरूर से बता कर जाना। प्रोसेसर के बारे में गाइज हम बात कर चुके हैं, परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी, गेमिंग आप इसमें अच्छी कर पाओगे, कोई दिक्कत परेशानी वहाँ पर आपको नहीं होगी, एंड डेली टास्क भी ये फोन आपका अच्छे से संभाल लेगा, कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी यहाँ पर आपको नहीं होने वाली है। उसके अलावा गाइज, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी LPDDR4X वाली रैम एंड UFS 2.1 वाला स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाएगा। Android 11 के ऊपर आपको फोन देखने को मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, एंड Realme UI 2.0 इसमें आपको देखने को मिलेगा, 3 पॉइंट नहीं दिया गया है, 2.0 इसमें आपको देखने को मिलेगा।
दो वेरिएंट में का इस फोन लॉन्च किया गया है, 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल मेमोरी एंड 6GB रैम विद 128GB इंटरनल मेमोरी। एंड गाइस जो 6GB रैम वाला है उसमें आपको 5GB वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि कंपनी क्लेम करती है कि आपको 11GB रैम परफॉर्मेंस इस फोन में देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं गाइस प्राइसिंग की। सो गाइस इसका जो बेस वेरिएंट है 4GB एंड 64GB वो आपको देखने को मिलेगा 13,000 रुपये की प्राइस रेंज में। एंड जो गाइस इसका अपर वर्जन है जो कि है 6GB रैम एंड 128GB इंटरनल मेमोरी वाला, वो आपको देखने को मिलेगा 15,500 की रेंज में। सो गाइस अगर मैं इसे कंपेयर करूँ Realme के ही एक और फोन Realme 8i के साथ, सो गाइस सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आपको वो भी पूरा फोन देखने को मिलता है, डिफरेंस सिर्फ आपको बैक बॉडी में देखने को मिलेगा। एंड गाइस वहां पर जो इसका 4GB एंड 64GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस रखा गया था 14,000 रुपये, एंड जो इसका गाइस 6GB एंड 128GB वाला वेरिएंट था उसका प्राइस रखा गया था 16,000 रुपये। अब ये जो फोन है सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको देखने को मिलता है बट कम प्राइस में सेम कंपनी की तरफ से। अब ऐसा क्यों है ये तो Realme ही बता सकती है, आई गेस गाइस ऑनलाइन होने की वजह से आपको ऐसा इस पर डिस्काउंट देखने को मिलता है, प्राइस लेस आपको इसलिए ही देखने को मिलता है बिकॉज नार्जो सीरीज जो होती है वो बेसिकली ऑनलाइन मार्केट के लिए ही बनाई जाती है। सो आई थिंक इसी वजह से आपको यहाँ पर प्राइसिंग भी कम देखने को मिलती है। बट यार कस्टमर के साथ तो ये धोखा ही हो गया ना, अब मतलब जो 8i लेकर बैठे हैं उनके साथ तो यार एक धोखा ही हो गया, 1,000 रुपये का चूना लग गया उनको, तो खैर क्या कह सकते हैं। अब Redmi Note 11 भी यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, वो भी इसके प्राइस के आसपास आपको काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ देखने को मिलता है। एंड गाइज मैं यहाँ पर बात कर रहा था उस बिकॉज की, एंड वो बिकॉज ये है कि गाइज यहाँ पर चलो आपको 4GB 64GB वाला वर्जन जो देखने को मिलता है अच्छी प्राइस रेंज में है, 13,000 रुपये में बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बट गाइस जो इसका अपर वर्जन है 6GB एंड 128GB वाला वो आपको मिलता है 15,500 रुपये की रेंज में 4G स्मार्टफोन। एंड यहाँ पर गाइस अगर हम बात करें वीवो के ही एक लेटेस्ट लॉन्च स्मार्टफोन T1 के बारे में, सो गाइस वो आपको 6GB एंड 128GB देखने को मिलता है 17,000 रुपये की रेंज में। सो 15,000 रुपये का यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, डिस्प्ले दोनों की सेम है, कैमरा सेटअप दोनों का सेम है, बैटरी दोनों की सेम है, चार्जिंग स्पीड में डिफरेंस है वो आपको 18W में मिलता है या आपको नार्जो 33W में देखने को मिलता है। बट यहाँ पर गाइस एक डिफरेंस और है, वो है 4G एंड 5G का एंड दोनों के परफॉर्मेंस का। गाइज चलो मैं 5G को कंसीडर नहीं भी करता, 5G जब आएगा तब आएगा, पता नहीं कब आएगा, कुछ अभी कंफर्म नहीं है, मैं उस चीज़ को कंसीडर नहीं करता, बट यार परफॉर्मेंस तो मैटर करती है। वहाँ पर गाइज आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 695 वाला प्रोसेसर जो कि G96 से काफ़ी बेटर आपको देखने को मिलता है। सो यार आई डोंट केयर अगर मेरा फ़ोन चार्जिंग पर थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, बट अगर मुझे परफॉर्मेंस वो अच्छी निकाल के दे रहा है, अब 18W एंड 33W ठीक है दोनों की चार्जिंग स्पीड में डिफरेंस है, बट मेरे लिए वो चीज़ मैटर नहीं करेगी अगर मुझे परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलती है मेरे फोन से। सो आप लोगों की इस चीज़ के बारे में क्या राय रहेगी कमेंट्स में जरूर से बताकर जाना। एंड प्राइसिंग में आई नो दोनों में 1,500 रुपये का डिफरेंस है, बट यार परफॉर्मेंस भी मुझे वहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, एंड 5G फोन भी देखने को मिलता है। चलो यार मैं कहता हूँ कि साल तक भी 5G आ जाएगा तो भी यार हम साल तक फ़ोन को यूज़ करेंगे ही, वहाँ पर जाकर हमें दोबारा अपना फ़ोन तो शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। 5G को मैं कंसीडर नहीं भी करता, छोड़ ही दो बात परफॉर्मेंस उसे तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो आई गेस के गाइज वो आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो जाएगा, 120Hz का रिफ्रेश रेट आपको वहाँ पर भी देखने को मिलता है, कैमरा सेटअप भी दोनों के सेम है, एंड लुक के मामले में अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे वीवो का T1 ज़्यादा पसंद आया है। अगर आप लोगों ने उस पर वो वीडियो मेरी नहीं देखी है सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर से जाके वो फ़ोन भी चेकआउट करना। एंड मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी कहूँगा कि वीवो का फ़ोन यहाँ पर मुझे रियलमी के कंपेरिजन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट्स में ज़रूर से बता सकते हो। बाकी गाइज मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर से देकर जाना। एंड ये फोन गाइज ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, आप इसे ऑनलाइन जाकर परचेज कर सकते हो, बहुत जल्द इसकी सेल भी शुरू हो जाएगी। सो गाइज मैं मिलता हूँ अब आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।